विंग कमांडर अभिनंदन की वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान से वापसी को लेकर भारत की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। वायुसेना के अफसरों की गाड़ियों का काफिला वाघा बॉर्डर पहुंच चुका है और कुछ ही देर में, जी हां, बस कुछ ही देर का और इंतजार, कुछ ही देर में विंग कमांडर अभिनंदन स्वदेश लौट सकते हैं। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग ने सुबह ही अभिनंदन की वापसी के लिए सभी जो कागजात है, जो जरूरी है, वो पाकिस्तान के विदेश विभाग को सौंप दिए थे और अब कभी भी पाकिस्तान से अभिनंदन की रवानगी की खुशखबरी आ सकती है। और ये तस्वीर जरा आप देखिए, क्योंकि ये इंतजार, ये यहाँ पर जो उपस्थित जो सेना के लोग हैं वो भी कर रहे हैं और साथ साथ वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो दर्शकों के बीच से आ रही हैं। कितने उत्साहित वहां पर, क्योंकि देश का जो हीरो है जिसका अभिनंदन वहां खड़े लोग, पूरा देश आज करना चाह रहा है। अब से थोड़ी देर में ही वापसी की बात है और साथ ही साथ तैयारियां किस तरीके से पूरी कर ली गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, जोश आज ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसा कोई लोकतंत्र का पर्व हम मना रहे हो। वैसी ही तस्वीरें अलग अलग जगहों से, देश के कोने कोने से निकलकर बाहर आ रही हैं। लोग किस तरीके से अभिनंदन के लिए यहाँ पर खड़े हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो आए और उनकी एक झलक ये दर्शक देख पाए, जो सुबह से ही, जैसे ही उन्हें खबर मिली कि वाघा बॉर्डर के रास्ते अभिनंदन भारत में एक बार फिर से कदम रखेंगे, अपनी इस धरती, इस मिट्टी की महक एक बार फिर से वो लेंगे। कुछ ही देर में अभिनंदन की ये वापसी, लाहौर से वाघा के रास्ते अभिनंदन आ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, इस्लामाबाद से लाहौर के लिए वो रवाना कर दिए गए हैं। जरूरी जो कागजात हैं उनको भी पूरी तरीके से पाकिस्तान को सौंप दिया गया है और जो भी इसके पीछे की पूरी कार्रवाई होती है वो सब तकरीबन कर ली गई है और अब बस इंतजार अभिनंदन के भारत आने की है। इसी रास्ते से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी तैयारियां यहां हो चुकी हैं, सुरक्षा के बीच बीच कड़े इंतजाम है और कुछ ही देर में भारत वापस आ रहे हैं अभिनंदन, जिसका अभिनंदन न सिर्फ वहां खड़े लोग कर रहे हैं, पूरा देश इस वक्त कर रहा है। अनुराग ढांडा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और हमारे साथ मोहित मल्होत्रा भी होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अनुराग के पास जाना चाहूंगी क्योंकि तस्वीरें बेहद खास हैं। इंतजार सिर्फ अब इस बात का है कि कितनी जल्द अभिनंदन की वो पहली झलक हम आपको दिखा सके और वहां जो लोग हैं वो देख सके। अनुराग, पैसे का भीख मांग। देखिए, बिल्कुल, हमें जो सूचना मिल रही है वो ये कि अब किसी भी वक्त हैंडओवर हो सकता है। वाघा बॉर्डर पर तमाम तैयारियां पूरी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो एक बार दिखाएं राकेश नेगी की किस तरीके से यहां पर तैयारियां, आप देख सकते हैं यहां पर भी डिप्लॉयमेंट हो गया है और अगर मेरे बाईं तरफ अगर आप दिखाएं तो लोग जहां इंतजार कर रहे हैं, पंजाब पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है, इधर पूरा तैनाती है तमाम और कॉन्वॉय अभी अभी एयरफोर्स का कॉन्वॉय अंदर गया है, यहाँ पर वाघा का जो सेटअप है उसके अंदर गया है अभी अभी और उसी कॉन्वॉय में अभी अभिनंदन को वापस लेकर के यहाँ से वो कॉन्वॉय निकलेगा और उसके बाद जो तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करने के बाद अभिनंदन को उनकी फैमिली से मिलाया जाएगा, ऐसी जानकारी हमको मिल रही है। और ये आप इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा उत्साह आपको नज़र आएगा, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ सुबह से काफ़ी लोग आए हुए हैं, दूसरी तरफ सड़क पर कतार लगा करके लोग खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो एक झलक पाना चाहते हैं, देश का जो असली हीरो, देश का जो वापस लौट रहा है, असल जिंदगी का जो हीरो है इनके लिए, उसको ये देखना चाहते हैं, झलक पाना चाहते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल होगा, हमें जो जानकारी है वो ये कि बिना किसी हो हल्ले के, बिना किसी अपीयरेंस के यहाँ से अभिनंदन को ले जाना चाहते हैं और ये तैयारी इस तरीके की प्रशासन की तरफ से की गई है, कोई इसमें किसी तरीके की गुंजाइश नहीं है। और ये कॉन्वॉय जो यहाँ से निकलेगा उसके बाद ये सुनिश्चित तौर पर आप कह पाएंगे कि अभिनंदन का हैंडओवर हो गया है। अभी जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये कि हैंडओवर किसी भी वक्त हो सकता है, तमाम तैयारियाँ दोनों तरफ से पूरी हो चुकी हैं। और मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, जरा बताइए, क्योंकि नजर इस बात पर ही है कि कितना वक्त और लगेगा, कितना इंतजार अभी उन आंखों को करना होगा जो सुबह से वहां पर तैनात है एक सिपाही की तरह और इस बात का इंतजार कि जल्द से जल्द दर्शन हो बस अभिनंदन के। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो पब्लिक आई थी उसको उम्मीद थी कि बीटिंग रिट्रीट के दौरान जब वो अंदर मौजूद होंगे तभी शायद उनको विंग कमांडर की एक झलक मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो इसी वजह से पब्लिक तो जस की तस बाहर बनी हुई है। लेकिन अभी जो हमारे पास ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक जो लोकल यहाँ अमृतसर के डीसी हैं, एसएसपी हैं, वो भी अंदर गए हुए हैं,
यानी अब से थोड़ी देर में कभी भी जो विंग कमांडर अभिनंदन है उनको पाकिस्तान की तरफ से हैंडओवर किया जाएगा। उसका जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो कागजी कार्रवाई होती है, किसी भी युद्ध बंदी को जब हैंडओवर दिया जाता है तो वो दोनों देशों के जो अफसर हैं उनके बीच में ये सब कुछ होगा और उसके बाद हैंडओवर दिया जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो रोड है इसके ऊपर अचानक ही पंजाब पुलिस भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। पंजाब पुलिस अब इस रोड पर किसी को क्रॉस भी नहीं करने दे रही क्योंकि यहीं से जो कॉन्वॉय है एयरफोर्स का वो अंदर गया है और उसी कॉन्वॉय के साथ विंग कमांडर अभिनंदन को यहाँ से अमृतसर ले जाया जाएगा और अमृतसर से उनको आगे भेजा जाएगा। जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन या हेलीकॉप्टर के जरिए उनको दिल्ली ले जाया जाएगा और दिल्ली में जाने के बाद उनका मेडिकल चेकअप होगा, उनकी हेल्थ का पहले देखा जाएगा और उसके बाद उनसे जानकारियां ली जाएंगी। तो ये फिलहाल यहाँ पर सरगर्मी बढ़ गई है और पंजाब पुलिस भी पूरी एक्टिव हो गई है। कोशिश यही है कि विंग कमांडर अभिनंदन को जब हैंड ओवर दिया जाए तो उनको आसानी के साथ जो एयरफोर्स का जो कॉन्वॉय यहाँ से निकलेगा उसको आगे अमृतसर तक पहुँचाना पहली प्रायोरिटी है और उसके बाद आगे फिर अमृतसर से दिल्ली भेजा जाएगा। ठीक है, अब अनुराग अगर आप दिखा पाए, क्योंकि आज वो तस्वीरें अपने आप में एक देशभक्ति की जो लौ जगा रही है वो आज देखने लायक है। अगर आप दिखा पाए वहां लोग क्या मौजूद हैं, उनसे अगर आप बात कर पाए, क्योंकि बेहद अहम है, सुबह से वो वहां मौजूद है और एक झलक देखना चाह रहे हैं केवल अभिनंदन। देखिए बिल्कुल सुबह से लोग लगातार यहाँ पर मौजूद है, मैं तस्वीरें जरूर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से तैयारी है, लेकिन शायद बात करना फिलहाल मुमकिन ना हो क्योंकि यहाँ से हटाया गया है। फिलहाल लोग दूसरी तरफ हैं और आप देखेंगे कि पूरा कतार से इंतजार कर रहे हैं, हर कोई देखना चाहता है कि जब यहाँ से वो गाड़ी ही गुजरे जिसमें अभिनंदन है तो बस एक बार उसकी झलक पा लें, इस तरीके की तैयारियां। और तमाम जो लोग यहाँ पर हैं, आप हमसे कुछ दूरी पर यहाँ पर हैं, मैं कोशिश करता हूँ वहाँ तक पहुँचूँ ताकि आपको बात करा सके कि किस तरीके का जज्बा है, किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं लगातार इस बात का कि अभिनंदन आए और उससे बात हो सके किसी तरीके से। तो ये तमाम जो आपको यहाँ सरगर्मी नज़र आ रही है, यहाँ से देखिए यहाँ से आगे तमाम लोग भीड़ पूरी की पूरी इंतज़ार कर रही है कि अभिनंदन किस वक्त यहाँ पर आएगा। आप लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से आप लोग यहाँ पर हैं क्या? हम सर यहाँ पर हमको पूरी रात भी इंतज़ार करना पड़े, हम उनका इंतज़ार करेंगे, हमारा देश का जवान है, सपूत है धरती माँ का वो, इसलिए हमको रात पूरा इंतजार करना पड़े, हम उनका इंतजार करेंगे। मैं एक तस्वीर आपको इधर भी दिखाऊं, देखिए किस तरीके से अभिनंदन, सुस्वागतम, वेलकम, ब्रेव, इस तरीके के तमाम स्लोगन्स लिए हुए ये युवा यहाँ पर तमाम खड़े हुए हैं। आप लोग स्वागत कर रहे हैं बिल्कुल एक अलग अंदाज में। हाँ बिल्कुल, हम अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आज अभिनंदन करने वोका बॉर्डर पर आए हैं ताकि उसे पता चले आपके साथ सारा देश।